hello everyone welcome back to lecture number 9th of standard costing and in this lecture we are going to solve the labor variances similar part which we have solved in the previous lecture we will be also practicing the labor mix and labor yield variance so that this variety should also get cleared related to your concepts as let us start first the question the question is the following details are available from the records of KBJ limited standard labor hours and rate per hour वन यूनिट तो यहाँ पे हमें कितने यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे हमें एक यूनिट का स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दिया है लेबर तीन टाइप के लेबर है टर्नर फिटर वेल्डर स्टैंडर्ड आर्स दिया है एंड एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है वन थाउजेंड यूनिट्स का मतलब हमें स्टैंडर्ड आर्स जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे एक्चुअल आर्स नीचे अवेलेबल है तो दिस इज दर्स एक्चुअल आर्स इज अवेलेबल विद यू फर्दर रेट भी अवेलेबल है तो ये जो ऊपर रेट दिया है ये है हमारा स्टैंडर्ड रेट और ये जो नीचे रेट दिया है ये है हमारा एक्चुअल रेट फिर यहाँ पे जो आर्स दिए हुए है दिस इज अवर एक्चुअल आर्स एंड स्टैंडर्ड आर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो सबसे पहले रेट की अगर बात करें तो रेट देखो 150, 50 और 70 तो इसको प्रेजेंट कर लेंगे स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड के जगह पे सेम फैक्टर हमारा फर्स्ट कौन है हमारा फर्स्ट है टर्नर जो स्किल्ड होता है सेमी मतलब फिटर और हमारा थर्ड है वेल्डर ठीक है तो अभी इनको प्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड रेट कितना था हमारा वन फिफ्टी सेकेंड के लिए फिफ्टी थर्ड के लिए सेवेंटी एक्चुअल रेट कितना दिया था हमको एक्चुअल रेट फर्स्ट के लिए टू हंड्रेड सेकेंड के लिए फोर्टी फाइव और थर्ड के लिए इज सेवेंटी फाइव ठीक है प्रेजेंट कर लेंगे अभी एक्चुअल आर्स फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड को भी लिख लेते हैं फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज एक्चुअल आर्स फर्स्ट सेकेंड के लिए टेन थाउजेंड एंड थर्ड के लिए फोर थाउजेंड टू हंड्रेड अब हम स्टैंडर्ड आर्स को ढूंढेंगे कितने यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया था एक यूनिट का तो एक यूनिट के लिए ध्यान से चेक करना एक यूनिट के लिए टर्नर कितना है फाइव फिर यहाँ पे एट यहाँ पे फोर तो यहां पे एक बार नोट डाउन करके रखेंगे दैट विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड फाइव एट और फोर ठीक है वन यूनिट के लिए फाइव आर्स तो हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वी आर प्रोड्यूसिंग वन थाउजेंड तो वन थाउजेंड के लिए हाउ मच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड आर्स पहले वाले के लिए आएगा फाइव थाउजेंड आर्स सिमिलरली वन यूनिट के लिए एट तो वन थाउजेंड के लिए हाउ मच यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दी आंसर एज एट थाउजेंड आर्स

टोटल एक्चुअल आर्स जो हमको रिवाइज के लिए कैलकुलेशन में जरूरी होता है फिर यहां पे अगर देखें तो 5000 8000 और 4000 8 4 इज 12 12 5 इज 17000 यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे 17000 दैट इज योर टोटल स्टैंडर्ड आर्स. ठीक है ये टोटल अभी कर लिया मतलब बाद में इसका कोई भी इशू नहीं होगा हमको अब प्रेजेंट कर लेंगे यहां पे जस्ट प्रेजेंटेशन करना है तो पहला हमारा है टर्नर तो मैं टी लिखता हूं टर्नर स्टैंडर्ड रेट 150 माइनस एक्चुअल रेट 200 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आर्स फोर तो फर्स्ट के लिए आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी टू लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एडवर्स टर्नर के बाद फिटर फिटर के लिए स्टैंडर्ड रेट फिफ्टी माइनस एक्चुअल रेट वाज फोर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आर्स वाज टेन थाउजेंड ये फेवरेबल आने वाला है दिस विल बी फेवरेबल फिफ्टी थाउजेंड फेवरेबल फिर तीसरा है हमारा वेल्डर वेल्डर के लिए था सेवेंटी माइनस सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाय योर एक्चुअल आर्स वॉज फोर थाउजेंड टू हंड्रेड अगर माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा दिस ट्वेंटी वन थाउजेंड एडवर्स एक एडवर्स दो एडवर्स एक फेवरेबल फिर टोटल करेंगे टोटल भी आ जाएगा एडवर्स वन लैक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एडवर्स तो ये था हमारा लेबर रेट वेरिएंस वेरियंस द सेकंड वन इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो चलो एफिशिएंसी वेरिएंस टर्नर के लिए करेंगे स्टैंडर्ड आर्स हमने कैलकुलेट किया था इट्स पॉस फाइव थाउजेंड माइनस एक्चुअल आर्स पॉस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ऊपर से लिया है मैंने वन फिफ्टी किया जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड फेवरेबल ट विल बी सेवेंटी फाइव थाउजेंड फेवरेबल टर्नर के बाद फिटर का कितना ढूंढा था हमने एट थाउजेंड माइनस एक्चुअल थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट वॉज फिफ्टी दिस विल बी टेन थाउजेंड एडवर्स यहाँ पे एडवर्स आ गया बिकॉज एट थाउजेंड मेंगेटिव आता है थर्ड इज वेल्डर वेल्डर के लिए हमने इतना कैलकुलेट किया था इट वॉज फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय योर स्टैंडर्ड रेट वॉज सेवेंटी दैट विल बी फोर्टीन थाउजेंड और ये बनेगा एडवर्स इनका टोटल करोगे टोटल आ जाएगा थर्टी नाइन थाउजेंड ये भी बन जाएगा एडवर्स तो देट वॉज लेबर एफिशिय वेरियंस इट्स प्योरली क्लेरिकल अगर आपको एक बार अमाउंट पता चल गई तो सिर्फ फॉर्मूला में प्रेजेंट करना है तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन के रिलेटेड कर लिए है सो वी आर सॉल्विंग लिटिल बिट क्विकली फर्दर लेबर कॉस्ट वेरियंस थोड़ा सा बड़ा है टर्नर का पहले सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड आर्स वॉज फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड वाई स्टैंडर्ड रेट वॉज वन फिफ्टी माइनस एक्चुअल आर्स वॉज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट वॉज टू हंड्रेड तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे फाइव थाउजेंड इंटू वन फिफ्टी यहाँ पर आ जाएगा सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नाइन लाख सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड में नाइन लाख माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड बट डेट विल बी एडवर्स टर्नर के बाद सेकेंड है फिटर फिटर के लिए स्टैंडर्ड आर्स वॉस एट थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट वॉस फिफ्टी माइनस एक्चुअल आर्स वॉस टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट वॉस फोर्टी फाइव यहाँ पे आ जाएगा फोर लैक्स माइनस आ पे आ जाएगा फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड मतलब ये भी बन जाएगा नेगेटिव फिफ्टी थाउजेंड एडवर्स दिस विल बी विल्सो नेगेटिव तो दैट इज वाई इट इज एडवर्स थर्ड है हमारा वेल्डर वेल्डर का सॉल्व करेंगे तो वेल्डर का है फोर थाउजेंड स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाय सेवेंटी माइनस एक्चुअल आर्स वॉज फोर थाउजेंड टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट यहाँ पे आ जाएगा टू लाख एटी थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड टू हंड्रेड ट्री लाख फिफ्टीन थाउजेंडर इसको माइनस कर आंसर एज थर्टी फाइव थाउजेंड एडवर्स टोटल करना है आ जाएगा एडवर्स

अभी हम पहले टर्नर फिटर और वेल्डर का स्टैंडर्ड आर्स लिख लेंगे प्रॉपरली तो टर्नर फिटर और वेल्डर टर्नर का हमने स्टैंडर्ड आर्स कितना ढूंढा था तो टर्नर का था फाइव थाउजेंड विच वी कैलकुलेटेड सेकेंड वाले का कितना था एट थाउजेंड और वेल्डर का कितना था फोर थाउजेंड ये हमने ढूंढ लिया था टोटल एक बार चेक कर लेते तो एक्चुअल टोटल एक्चुअल आर्स वॉज एटीन थाउजेंड से टोटल स्टैंडर्ड आरस है 17, तो यही हमको अभी सॉल्व करने के लिए वाला है तो चलो सबसे पहले टर्नर का सॉल्व करते हैं टर्नर एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आरस सेवनटीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड आरस तो हमने इधर लिख के रखा है फाइव थाउजेंड आर एस एच आ जाएगा दैट विल बी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड आरस तो ये हमको मिल गया टर्नर का रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स फिटर का कैलकुलेट करेंगे सेम वे एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाय 17,000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड स्टैंडर्ड वॉज एट थाउजेंड यहाँ पे आ जाएगा एट थाउजेंड एट हंड्रेड आर्स तो ये हमें आ चुका है फिटर का अब हम वेल्डर का सॉल्व करेंगे वेल्डर का है एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाय 17,000 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फोर थाउजेंड तो यह आ चुका है वेल्डर का एंड इट विल बी थाउजेंड हंड्रेड आरस तो ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज इफ दिस इज नॉट क्लियर लेबर मिक्स और लेबर ईल्ड आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो अभी हम सोल्व करेंगे लेबर मिक्स वेरियंस उसके बाद फिर लेबर ईल्ड वेरियंस तो लेबर मिक्स वेरियंस टर्न और टर्नल के लिए आर एस एच आर एस एच कितना हमें मिला है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस एक्चुअल आर्स कितना था उसका फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय एक सौ पचास तो इसका आंसर आ जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड फेवरेबल ठीक है फिर फिटर का सॉल्व करेंगे फिटर का कितना मिला हमको एट थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस एक्चुअल आर्स वॉज टेन थाउजेंड ओवर सेकेंड पार्ट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट वॉज फिफ्टी तो दिस विल बी एडवर्स नाउ सिक्सटी थाउजेंड एडवर्स देन थर्ड विल बी अवर वेल्डर वेल्डर का सॉल्व करेंगे वेल्डर का कितना आया था हमको फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय रेट वॉज सेवेंटी आंसर आ जाएगा फोर्टीन थाउजेंड फेवरेबल इनका टोटल आपको करना है का टोटल आ जाएगा वन लैक फोर थाउजेंड फेवरेबल तो दैट वॉज दिक्स वेरियंस ना विल मूव टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट एंड दैट इज लेबर ईल्ड वेरियंस काफी इजी है टर्नर का स्टैंडर्ड आर्स कितना हमने कैलकुलेट किया इट वॉज फाइव थाउजेंड रिवाइज हमने अभी कैलकुलेट किया फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट वाज़ वन फिफ्टी दिस बी अगेन नेगेटिव तो इट विल बी विलउजेंड एडवर्स टर्नर के बाद सेकेंड है हमारा फिटर फिटर के लिए कितना है एट थाउजेंड माइनस हमने कैलकुलेट किया आरएसएच एस एट थाउजेंड एट हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट वाज़ फिफ्टी तो दिस बी अगेन फोर्टी थाउजेंड एडवर्स तो ये भी आ चुका है एडवर्स फिर लास्ट वाला है वेल्डर वेल्डर का स्टैंडर्ड आवर्स हमने कैलकुलेट किया था 4000 रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स वाज 4400 मल्टीप्लाइड बाय योर स्टैंडर्ड रेट वाज 70 तो दिस इज आल्सो नेगेटिव नाउ दैट इज 8000 एडवर्स तो ये भी नेगेटिव सभी के सभी नेगेटिव टोटल करेंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा नेगेटिव 143000 एडवर्स सो दैट वाज द क्वेश्चन रिलेटेड टू लेबर मिक्स एंड लेबर ईल्ड वी हैव ऑल्सो सॉल्व मटीरियल मिक्स एंड मटीरियल ईल्ड तो इतने लेवल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पर यूनिट दिया होगा तो किस तरीके से सॉल्व करना है थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर